पार्ट कर लेते हैं। पहले मैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ऊपर की तरफ फेंका गया है 50√2 मीटर पर सेकेंड में। हमने कल ये पढ़ लिया था कि आप इसे एक्स एक्सिस मानते हो अलॉन्ग द प्लेन जो डायरेक्शन है, और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आप वाई एक्सिस मान लेते हो, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, स्पीड के कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 अलॉन्ग एक्स, यहाँ आ जाएगा 50 अलॉन्ग वाई। फिर हम ग्रेविटी को भी ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटी इस तरह से लग रही होती है हमारी जी। तो परपेंडिकुलर में कॉस वाला आता है हमेशा, पैरेलल में साइन वाला आता है हमेशा। तो ये हो जाएगा जी साइन 37 यानी कि 3g/5, ठीक है ना। जबकि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला यानी कि 4g/5। तो ये तो आपका हो गया कितना, 8 m/s² और ये हो गया आपका कितना, 6 m/s². फिर हम क्या करते थे, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते थे, ठीक है ना। x का डेटा लिख लो या y का डेटा लिख लो। x का डेटा, x में स्पीड कितनी है भाई, x में स्पीड है 50। x में एक्सेलरेशन कितना है, देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 6 यानी -6। y में स्पीड कितनी है, तो y में स्पीड भी दिख रही है 50। y में एक्सेलरेशन कितना है, देख सकते हो ऊपर प्लस वाई है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो -8। अब आपको चाहिए मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा इक्वेशन यूज की जाएगी SY = UYT + ½AYT² और SY को क्या कर दिया जाएगा, 0। तो ये मिला 0 = y का डेटा पुट करना है तो 50 × t + ½ acceleration - 8 × t². यहाँ से आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ गया भाई वो कितना आ चुका है, देख सकते हो 50/4 यानी कि 12.5 सेकेंड आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए था। सही किया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एच मैक्स। तो एच मैक्स के लिए भी हम जानते हैं एच मैक्स क्या हो जाता है भाई, हमेशा VY² = UY² + 2AY SY और VY² को हमेशा 0। तो 0 = 50² + 2 acceleration - 8 × h। यहाँ से एच मैक्स की वैल्यू जो हमें मिली वो मिल गई 2500/16 m। किसी को कोई दुख या समस्या नहीं होनी चाहिए, ये हो गई मैक्सिमम हाइट। उसके बाद बचती है रेंज। तो रेंज जाता है आपका x का डिस्प्लेसमेंट यानी SX = UXT + ½AXT². तो बस रेंज हो जाएगी, x का डेटा पुट करना है तो 50 × time of flight है 12.5 + ½ acceleration - 6 × 12.5² बस। ऐसा मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि ये आ रहा है आपका 131.02 या फिर मैं बोलूं 625/4 m। क्लियर है क्या सभी का, कोई डाउट किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में? सिंपल था, सिंपल था ना। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं आप। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें भी आपको यही तीनों चीजें बतानी थी, लेकिन इस बार प्रोजेक्शन कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोला गया है इंक्लाइंड प्लेन से। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये एंगल 53 डिग्री है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या है, 53 डिग्री है। देखो सॉल्व करने का तरीका नहीं बदलेगा। अब ये डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्शन था, अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे x एक्सिस और y एक्सिस चुननी थी, ठीक है। अब क्योंकि बॉल इस तरफ जा रही है तो बेटर होगा कि मैं इसे x एक्सिस मान लूँ और इसे y एक्सिस मान लूँ, है कि नहीं। आप उल्टा भी मानोगे ना तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। पर मैंने क्या है, मुझे पता है बॉल नीचे जाने वाली है तो मैंने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, कॉमन सेंस है, ठीक है। यहाँ x का डेटा लिख लेंगे, यहाँ y का डेटा लिख लेंगे। कॉम्पोनेंट्स ले लेता हूँ मैं। स्पीड का कॉम्पोनेंट 50 cos 53 यानी कि 30 m/s, 50 sin 53 यानी कि 40 m/s। ग्रेविटी का तो हमें पता ही है भाई, ग्रेविटी हमेशा अलोंग द प्लेन आ जाती है साइन वाली, यानी कि g sin 53 डिग्री यानी कि 8 m/s² और परपेंडिकुलर में आ जाती है हमेशा कॉस वाली, तो g cos 53 यानी कि 6 m/s². अब मैं यहाँ पे डेटा पुट करूँगा। तो देखो एक्स में क्या आ जाएगा, एक्स में देखो एक्स में स्पीड क्या दी हुई है भाई, x में स्पीड आपने दी है 30, तो ux हो गया 30। एक्सेलरेशन x में कितना है, तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, पॉजिटिव ही डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा 8 m/s², समझ आया।
सिमिलरली वाई में अगर देखा जाए तो यू वाई क्या है, यू वाई आपका 40 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन वाई में कितना है, तो देखो ऊपर प्लस वाई माना है नीचे की तरफ है तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अंतर क्या आया, सिर्फ अंतर आया आपका कि एक्स में एक्सेलरेशन इस बार पॉजिटिव आ गया है। क्यों? क्योंकि स्पीड भी उसी तरफ दी है और ग्रेविटी भी उसी तरफ दी है और हमने उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है। क्वेश्चन क्या है, तो रेंज एंड एच मैक्स हमेशा सेम रहेगा क्या? इंक्लाइन प्लेन से एंगल अगर बॉडी का 45 हो तो रेंज एंड एच मैक्स हमेशा सेम रहेगा क्या? मतलब अच्छा, वो डेटा सेट हो रहा होगा, हाँ कह सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल आ रहा है तो आ रहा है भाई, डेटा के ऊपर है। चलो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने याद नहीं किया है। ए वाई नेगेटिव क्यों? अच्छा, कष्ट शुरू हो चुके हैं लोगों के, प्रभु जिन्हें भी डाउट है कि ए वाई नेगेटिव क्यों है, देखिए ज़रा मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस कौन सी ली है, क्या देवता लोग समझ पा रहे हैं कि मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव वाई ली है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी किधर है, तो परमात्मा आपको दिख रहा होगा कि ग्रेविटी नीचे की तरफ है, जब ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो उसका उल्टा नेगेटिव ही होगा ना भाई। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मत पूछो। टाइम ऑफ फ्लाइट एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, थक गए होगे तुम भी सुन सुन के। एस वाई क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो बराबर यू वाई 40 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -6 इंटू टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया भाई कितना, 40/3 सेकेंड, सुखी जीवन। दूसरा एच मैक्स चाहिए आपको, एच मैक्स के लिए इक्वेशन पता है हमें, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2AYSY, वी वाई को स्क्वायर को जीरो, जीरो बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6 इंटू एस वाई। एस वाई आपको मिल गया कितना भाई, 1600 बाय कौन है ये 12 मीटर। कोई समस्या किसी को? अरे इसमें क्या समस्या होगी। तीसरा था रेंज, रेंज के लिए क्या लिख देते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है कि नहीं, एस एक्स ही होता है रेंज। एक्स में स्पीड क्या दी थी भाई, एक्स में दी है 30 और एक्सेलरेशन है 8, तो 30 × 40/3 प्लस हाफ इंटू 4/3 था टाइम, नहीं 40/3 है सही, इंटू 40/3 का होल स्क्वायर, ये है रेंज। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप भी कर करके थक गए हो? क्या सवाल सबको आसान लगा है? किसी को कोई डाउट है तो बोले प्लीज। आसान है, अगर ये आसान लगा है तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पूरे ही आसान है, क्योंकि ये तो इंक्लाइंड प्लेन पे है, ठीक है ना भाई। चलो तो इसी पे आप क्वेश्चंस करने हैं हमें, तो मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन कुछ करा देता हूँ आपको। तो ये लो, ध्यान से करें कृपया, कौन बाप रे बाप, बॉक्स के अंदर भी प्रोजेक्टाइल होगा तो एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, वो सब आगे की बातें हैं, अभी वो सब मत सोचो। ये लो, ये वही डेटा एकदम 50 मीटर पर सेकेंड, और ये वही आपका 37 डिग्री। पहला तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए पूछूंगा बस, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, रेंज। दूसरा सवाल, एच मैक्स अबव ग्राउंड तीसरा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग
ये 50, चलो ठीक है रहने दो। ठीक है बताइए। हाँ ये एच मैक्स अबव इंक्लाइन है, ठीक है ना भाई, फ्रॉम इंक्लाइन अलोंग इंक्लाइन। फटाफट से डेटा लिख लो, यूएक्स यूवाई एएक्स एवाई, उसके बाद तो हलवा है। अनिकेत जी आपने मनी हाइस्ट देखा है क्या? अनिकेत जी के फोटो में मुझे डाली दिख रहा है। मतलब जमीन से ऊंचाई, फ्रॉम ग्राउंड का मतलब हो गया, ये ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड तो यही रहता है हमेशा, किससे मैक्सिमम ऊंचाई कितना गया होगा? समय लो आराम से, सही आंसर देना। सारे आंसर एक साथ देने की कोशिश करो वरना मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक करके दोगे कोई फायदा नहीं है, वो बस अनंत के लिए एक्सेप्शन है भाई। सेवेंटी फोर डिग्री लेके स्ट्रेट लाइन पे कहाँ चलता है बेटा, पैराबोला पे चलता है ना। जी हाँ, तो श्रेष्ठ दे पाए हैं आंसर सबसे पहले सारे पार्ट का, बहुत बढ़िया भाई। रोहित जी के भी 3 पार्ट आ गए, चलो। अनंत ने भी दे दिया है सेकंड तक का आंसर, आखिरी इंस्टॉलमेंट बाकी है। अच्छा श्रेष्ठ एक बात बताओ, इतने ही एंगल पे 37 डिग्री पर ही मैं अगर डाउन द इंक्लाइन फेंकता इसे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट पे क्या फर्क पड़ता? अगर मैं 37 डिग्री पर ही
डाउन द इंक्लाइन फेंकता तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट पे क्या फर्क पड़ता? ईशान का भी आ गया भाई, बहुत बढ़िया। और रेंज का क्या हो जाता भाई? सही है, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट सेम रहता है क्योंकि वाई में कुछ नहीं बदलता है, ऊपर से नीचे फेंकने पे बस ये हो जाता है कि एक्स में जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है तो रेंज बढ़ जाती है। यूटी का क्रॉस प्रोडक्ट रोहित, टाइम वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, टाइम अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो आप टाइम का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, समझ रहे हो ना? तो फिर नहीं करेंगे। यूटी जो होता है उसमें यू वेक्टर है पर टी तो स्केलर है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा। चलो करा जाए, ठीक है। तो पहला सवाल, पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ ताकि जीवन आसान रहे। सोहम ने भी आंसर दे दिया है। या और टाइम चाहिए? कोई कर रहा है, टाइम चाहिए तो लिख दो भाई, मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा। हाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगा दोगे उससे भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बात है कि एक बार प्रोजेक्टाइल को फेंक देंगे तो फिर कंटेनर, फिर उसके ऊपर मतलब एक्सेलरेशन जो कंटेनर का है वो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा उसका। सही बात है। तो जितने भी दे दिया, चलो शुरू ही कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ कंपोनेंट्स ले लेता हूँ मैं। 50 cos 37, 40 sin 37, 30। ग्रेविटी का इस तरफ कितना आ जाएगा? 10 sin 37। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 6 8। यू एक्स ए एक्स यू वाई ए वाई। यू एक्स 40 ए एक्स -6 यू वाई 30 ए वाई -8। अब सब कुछ आसान है। पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए हमें, ठीक है ना? तो एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई को क्या कर दूंगा मैं? 0। तो यू वाई 30 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -8 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी? 30/4 सेकेंड। क्लियर है? एच मैक्स के लिए वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ay, और एस वाई ही होता है एच मैक्स। इसे हम 0 कर देते हैं। 30 का स्क्वायर प्लस 2 × एक्सेलरेशन -8 × एच मैक्स। एच मैक्स मुझे मिल गया कितना? वो मिल गया भाई 900/16 m। किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तीसरी चीज रेंज, यानी कि एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो रेंज मुझे मिल गई है, एक्स में स्पीड है 40 × टाइम था 30/4 प्लस हाफ एक्सेलेरेशन है -6 × t², ठीक है ना? और ये आ गया है कितना भाई, बता देना जरा, मैं सॉल्व तो नहीं करना चाहता इसे। हाँ तो ये आ गया है आपका, काफी लोगों ने अलग अलग आंसर दे दिए, सभी लोग कह रहे हैं 131.25 m। ये लो, तो ये तीन पार्ट तो आपको हो ही जाने चाहिए। तो नया पार्ट क्या था भाई? वही है, वही है। नया पार्ट था मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड। देखो इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट चाहिए थी तो आपने क्या किया? इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट चाहिए थी तो आपने इक्वेशन ये लिखी, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ay एच मैक्स, और आपने वी वाई स्क्वायर को 0 कर दिया। तो प्लेन से मैक्सिमम हाइट तब आती है जब प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलना बंद कर दे। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कब आएगी? जब ग्राउंड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलना बंद कर दे। तो जिस भी चीज से आपको मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, बेसिकली उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जिस समय पे मूव करना बंद कर देगा तभी मैक्सिमम हाइट आएगी।
तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है हमें, सेकंड पार्ट में आपको इस तरह से दिया गया है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है 37 डिग्री का और आपने बॉल फेंकी है 50 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे। तो अब आप किसे मान लो x, इसे मान लो x और इसे मान लो y, जो हम जीवन भर करते ही आए हैं। तो यहां स्पीड आ जाएगी आपकी 50 cos 2 × 37 डिग्री, समझ आ रही बात। और ऊपर स्पीड आ जाएगी आपकी कितनी, ऊपर की तरफ स्पीड आ जाएगी आपकी 50 sin 2 × 37 डिग्री, समझ आया कि नहीं। बस वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी 50, ठीक है ना, cos 2 × 37 डिग्री, cos 2 थीटा, क्या लिख सकते हो cos 2 थीटा को 1 − 2 sin² थीटा लिख सकते हो, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1 − 2 sin² 37 डिग्री, और sin 2 थीटा उसे तो क्या लिख सकते हो 2 sin θ cos θ, तो ये हो जाएगा 100 × sin 37 3/5 cos 37 4/5, ये मिल गया आपको 48 मीटर पर सेकेंड, समझ आ रही है बात। अरे समझ आ रहा है कि नहीं मेरी बात। अरे यार मैं समझ गया ईशान भाई, आपका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बात है, पर मेरा काम पूरी क्लास को समझाना है, 46 स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ आपने जल्दी कर पाया है, मुझे पता है वो चीज़ें, पर मैं वो डायरेक्टली नहीं बता सकता, ठीक है ना। हाँ वही हम चेक करेंगे ना, टाइम ऑफ फ्लाइट से चेक करेंगे वो चीज़, तभी समझ आएगा। क्या समझ नहीं आ रहा ईशान भाई तुम्हें यार, जबरदस्ती मतलब 48 क्या तुम्हें कंपोनेंट लेना नहीं आ रहा, क्या डाउट है इसमें। हाँ भाई 48 वाई कंपोनेंट है, बस ठीक है ना। और मैं एक्स कंपोनेंट लिख रहा हूँ, x कंपोनेंट कितना मिल जाएगा ये देखो, 2 × sin² 37 डिग्री, यानी कि 9/25, ये हो गया 18/25, तो 7/25 14, ये हो गया 14 मीटर पर सेकेंड, दो कंपोनेंट्स आ गए। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया है, मैंने यूज़ कर लिया है cos 2 थीटा, तो जाता है 1 − 2 sin² थीटा, और मैंने यूज़ किया है sin 2 थीटा, ये होता है 2 sin θ cos θ, इससे मैंने ये वैल्यूज निकाली हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। अब बस आपको क्या चाहिए था, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड चाहिए, है कि नहीं। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड आप देख सकते हो क्या आ जाएगी, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालू UY² / 2G, याद है कि नहीं, तो 48² / 2 × 10। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम हाइट इसके टाइम ऑफ फ्लाइट से कम समय में रीच हो गई हो। अगर ऐसा हुआ कि मैक्सिमम हाइट रीच करने से पहले वो इंक्लाइन प्लेन को टकरा जा रहा है, इसका मतलब तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर आप लोगों को कष्ट है तो मैं वापस से पूरी चीज बताने को तैयार हूं, बोलो कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं। अरे बोलो जल्दी, चल मैं फिर से बता देता हूँ। अच्छा ये कंपोनेंट्स तक तो समझ आ गया होगा ना भाई, ये तो मैंने कुछ नहीं किया, मैथ यूज किया है, बस वैल्यू निकालनी थी तो मैंने आइडेंटिटी लगा के वैल्यू निकाल दी, इसमें तो फिजिक्स का कुछ काम ही नहीं था। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन ये है भाई आपके पास, ध्यान से देखना, ये बॉल है, आगे स्पीड दी गई है 14, आगे स्पीड दी गई है 14 और ऊपर स्पीड दी गई है 48। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपको देता तो क्या आप इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, इसका पाथ कैसा होना चाहिए था, इसका पाथ आप सबको पता है कि ऐसा होना चाहिए था, है कि नहीं। और यही होती है हमारी मैक्सिमम हाइट, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना भाई, यही तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट की, ये क्या हो जाती थी UY² / 2G, याद है कि नहीं है, तो 48² / 2 × 10, ये मैक्सिमम हाइट आ गई। अच्छा मैक्सिमम हाइट कब आती थी भाई,
मैक्सिमम हाइट आती थी टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ पे, समझ आ रहे कि नहीं? जैसे हम 40 से ऊपर फेंकते थे तो 4 सेकंड में ऊपर, 4 सेकंड में नीचे, तो मैक्सिमम हाइट कब आती थी? 4 सेकंड में, समझ आ रहे कि नहीं? तो यहां पे आप देखो कि टाइम ऑफ एच मैक्स क्या है, टाइम टू रीच एच मैक्स अबव ग्राउंड, तो आपको पता है वो हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy/g, है कि नहीं? 2uy/g, तो ऊपर जाने का टाइम क्या हो जाएगा? 48/10 यानी कि 4.8 सेकेंड। तो बॉल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती 4.8 सेकेंड्स में। भाई वीडियो बंद कर लो अपना, जो भी कोई मनुष्य है। हेलो बेटा, किसी का वीडियो चालू हो गया है, जबरदस्ती दिख रहा है वो। चलो, तो मैक्सिमम हाइट पे ये पहुंचता है 4.8 सेकेंड्स में। क्लियर हुआ क्या भाई सबको? अब देखो, बात यह है कि रास्ते में बना दिया है किसी ने इंक्लाइंड प्लेन, तो अगर इंक्लाइंड प्लेन ऐसे रहा होगा तो मैक्सिमम हाइट रीच कर गया होगा। डायग्राम में देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? लेकिन आपका इंक्लाइंड प्लेन अगर ऐसा रहा होगा तो क्या वो मैक्सिमम हाइट रीच कर पाया होगा? नहीं, उससे पहले ही प्लेन से टकरा गया, तो मुझे चेक तो करना पड़ेगा ना। मैंने तो क्या किया, उसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना शुरू कर दिया है, और मेरा टाइम आ गया है कि वो 4.8 सेकंड में अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अब मैं ये तो चेक करूंगा कि भाई वो वापस से इंक्लाइन पे जब टकरा रहा है, वो टाइम अगर इस टाइम से ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम हाइट रीच कर जाएगा, पर इससे कम हुआ तो पहले ही मोशन खत्म हो गया ना, तो फिर तो वो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट रीच ही नहीं कर पाया, है कि नहीं? तो मैं वही देख लेता हूं। अब हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट आया है 30/4 सेकेंड, यानी कि 7.5 सेकेंड। तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है 7.5 सेकेंड, यानी बॉल दोबारा से इंक्लाइन को टकराएगी 7.5 सेकेंड में, और ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कब आएगी? 4.8 सेकेंड में। तो क्या मैक्सिमम हाइट रीच हो पाई होगी? बताओ भाई, क्या रीच कर पाया होगा मैक्सिमम हाइट को? हाँ, कर पाया होगा, 4.8 सेकेंड पे ही कर गया है वो, तो है कि नहीं? तो बस मैक्सिमम हाइट रीच हुई है इसका मतलब। तो हम क्या कह देंगे कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड क्या है? यही है जो हमारा आंसर आया था। अच्छा, अगर नहीं आया होता तो, मान लो कि ये टाइम कम आ गया होता तो फिर ऑब्वियस था कि जितनी भी हाइट पे जाके वो टकरा रहा है, जहां मोशन खत्म हो रहा है वही तो हाईएस्ट पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा? समझ आया कि नहीं? वही तो आपका क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट होगा। बस अब तो आसान है, रेंज बताना तो बहुत ही आसान था, हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है अगर आपको। हॉरिजॉन्टल में कितना चला तो वो तो हम जानते हैं, एक्स में अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड है मेरी 14, और कितनी देर के लिए बॉल हवा में है? बॉल हवा में है 7.5 सेकेंड्स के लिए, मीटर। कितने लोगों को समझ आया और कितने लोगों को समझ नहीं आया भाई? ऊपर वाला, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर से करने से क्या फायदा होगा? एक ही क्वेश्चन को 10 बार बोलूंगा तो बाकी लोग भी बोर हो जाएंगे। हम इसी पार्ट पे फोकस करके, अच्छा ये 3 पार्ट में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, इसमें डाउट नहीं है ना किसी को? पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है? थर्ड क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो बताना था, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया? सिंपली एक्स में स्पीड इंटू जितनी देर के लिए हवा में, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? फर्स्ट और थर्ड में किसी को अगर डाउट है तो अभी बोले, मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, उसमें हम सिर्फ सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। चलो तो वही शुरू कर लेते हैं। ये मान लो 30 डिग्री है और
और ये आपने फेंक दिया, क्या ले लूं मैं बताओ? 30 डिग्री ले लेते हैं ये भी, ठीक है ना, और फेंक दिया मैंने 50 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है एच मैक्स अबव ग्राउंड और दूसरा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ आराम आराम से। वही बेटा, मैं वही बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने का तरीका। अभी मैं इंक्लाइन को ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, इंक्लाइन के ऊपर। जब भी आपसे ग्राउंड वाला क्वेश्चन आए ना, अरे वही बात है, इट कैन नॉट रीच ग्राउंड, बात सही है, पर मैं आपको मेथड बता रहा हूँ करने का। आप इंक्लाइन को भूल जाओ कुछ देर के लिए, ठीक है ना। मैंने ये कर लिया, अपना डायग्राम इस तरह से बना लिया इंक्लाइन को हटा के। तो अब देखो स्पीड, तो आपको पता है कि स्पीड कहाँ कहाँ दी गई है। एक्स में स्पीड दी गई है कितनी हो जाएगी, 50 cos 60 डिग्री, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। और वाई में स्पीड क्या आ जाएगी, 50 sin 60 डिग्री, यानी कि 25√3 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ भाई, मैक्सिमम हाइट जो आती है ग्राउंड से, मैक्सिमम हाइट कब आती है? तो मैक्सिमम हाइट आती है T/2 पे, टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ पे। सबसे पहले मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूंगा, तो वो आ जाएगा 2 UY/g, यानी कि 5√3 सेकेंड। ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम टू रीच एच मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का समय क्या होगा, इसका आधा। तो वो टाइम मुझे मिला 5√3/2 सेकेंड। इतने तक सबको क्लियर है? अच्छा, इस समय पे मैक्सिमम हाइट होगी क्या? तो वो होती है UY²/2g। तो y में स्पीड है 25√3 का स्क्वायर/20, समझ आया? ठीक है ना, तो ये कुछ बड़ा सा आ रहा है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो ये है एच मैक्स। अब मुझे बस एक चीज चेक करनी होती है कि जब ऐसा मोशन होता, अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो, लेकिन असली जिंदगी में तो इंक्लाइन प्लेन है। अब अगर इंक्लाइन प्लेन ऐसा कुछ है कि वो मैक्सिमम हाइट के बाद में स्ट्राइक कर रहा है बॉल को, तो मोशन सिर्फ यहीं तक हो पाएगा, ये मोशन हो पाएगा सिर्फ। तो इस दौरान में क्या मैक्सिमम हाइट आ गई होगी? हाँ आ गई होगी, आपको दिख रहा है ये पॉइंट रीच हो चुका है, तो मैक्सिमम हाइट आ गई होगी। इसी की जगह मेरा इंक्लाइन अगर इस तरह का होगा, तो क्या मैक्सिमम हाइट रीच हो पाएगी? नहीं, मोशन यहीं पे सीज हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट नहीं रीच हो पाई होगी, और यही हाइट आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। बस मैं यही चेक करता हूं। तो ये करने के लिए क्या होना चाहिए? अगर इंक्लाइन प्लेन पे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट रीच करने से ज्यादा है, तो ये बाद में जाके इंक्लाइन को टकराएगा, तो मैक्सिमम हाइट रीच हो चुकी होगी। लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन का टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट रीच करने के टाइम से कम है, इसका मतलब ये पहले ही इंक्लाइन प्लेन से टकरा गया, तो मैक्सिमम हाइट नहीं आ पाई होगी। तो मुझे बस यही चेक करना होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन निकाल लेते हैं। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 50 cos 30 डिग्री, यानी कि 25√3 एक्स में स्पीड और वाई में स्पीड 25। अच्छा, ग्रेविटी के कंपोनेंट्स, तो यहाँ आता है g sin 30 डिग्री, यानी कि 5 g cos 30 डिग्री, 5√3। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हो आप? तो वो तो सिंपली हो जाता है क्या, SY² उसी इक्वेशन से हम यूज करने वाले हैं, है कि नहीं? तो SY = UYT + ½AYT²। SY को मैं क्या कर दूंगा, 0। तो ये हो गया 25 × t − ½ × 5√3 × t². तो t यहां से आपको क्या मिला, t आपको यहां से मिला 10√3 सेकेंड। क्लियर है क्या सबको? तो अब आपको बस ये देखना है कि 5√3/2 बड़ा है या 10√3 बड़ा है, कौन बड़ा हो जाएगा। √3 की वैल्यू 1.7 होती है, ठीक है ना। तो ये 5 point something आ रहा है, और ये आपका आ रहा है, लगभग 7 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे एग्जैक्टली, तो आपको पता लगेगा टी 10√3 जो है वो बड़ा है 5√3/2 से। तो
तो क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पर टकराने का टाइम मैक्सिमम हाइट रीच करने के टाइम से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये टाइम रीच हुआ होगा और मैक्सिमम हाइट भी आई होगी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब सबको क्लियर हो गया, क्योंकि तीसरी बार मैं बोलने से अच्छा मर जाना पसंद करूँगा, मैं अब थक चुका हूँ। ठीक है ना, अगर टाइम नहीं होता तो मैं ये रेंज तो निकाल ही चुका हूँ अलोंग द इंक्लाइन, है कि नहीं, तो मैं ये वाली हाइट निकाल लेता थीटा से। अरे आप, ये है ना ऐसे इंक्लाइन आपका, आपको पता है कि यहीं पे मोशन सीज हो गया, तो यही तो मैक्सिमम हाइट हुई, तो मैं ये हाइट तो सीधे सीधे निकाल सकता हूँ ना, रेंज निकाल लूंगा, ये थीटा मुझे पता ही होगा, तो मैं मैक्सिमम हाइट निकाल लूंगा। क्लियर है सबको, क्लियर है भाई? अरे अब तो अनंत बह गए भावनाओं में। चलो अच्छा, इसमें रेंज निकालनी थी तो वो तो सबसे आसान सवाल होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की जाए, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की जाए तो वो एक्स में स्पीड 25 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जो हम निकाल चुके हैं 10/√3 मीटर। अरे नहीं मालिक प्रताप जी, आप कह रहे हो रेंज और इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है क्या? नहीं, ये है इंक्लाइन प्लेन की अलोंग रेंज, ये जो ए से मैंने लिखा है, और ग्राउंड के अलोंग बी है ये जो मैंने लिखा है, दोनों सेम कैसे हो जाएंगी, ट्रायंगल नहीं दिख रहा तुम्हें? हाँ ईशान बिल्कुल, एक सवाल को करने के 100 तरीके हैं। रेंज में इंक्लाइन क्यों नहीं कंसिडर करते? अरे उसकी जरूरत नहीं, कर लो उसके लिए, फिर आपने ये मैक्सिमम हाइट निकालनी, मतलब ये रेंज निकालनी पड़ेगी, उसका कॉस थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, उससे भी कर सकते हैं इंक्लाइन प्लेन से, पर लॉजिकली कर रहे हैं ना हम तो, एक्स में स्पीड पता है कितनी देर के लिए हवा में ये पता है, तो सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है ना। क्या हम आगे बढ़ जाएं, थोड़े आसान सवालों पे आते हैं, ये काफी मुश्किल मुश्किल होते जा रहे हैं, तो दुखी हो गए होंगे कुछ लोग, तो एक आध हलवा सवाल हो जाए, तो ये लो। ठीक है, तो बोला गया है कि बॉल स्ट्राइक्स प्लेन बी ऑर्थोगोनली, फाइंड वी, अरे अनंत अगर वो सवाल अभी करा दिया तो लोग मतलब परेशान हो जाएंगे यार, बहुत करेंगे वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन हम तब करते हैं जब चैप्टर खत्म हो जाए, तब तक लोगों को प्रैक्टिस तो करने दो अभी सादा सवालों की भी। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल है, काफी सिंपल है, एक इंक्लाइन से बॉल को फेंका है, दूसरे इंक्लाइन पे गिरती है ऑर्थोगोनली यानी कि 90 डिग्री पे, ठीक है, तो आपको इसकी स्पीड बतानी है, ऑर्थोगोनली यानी कि परपेंडिकुलर, क्या बात है, रोहित ने सबसे पहले आंसर दिया है। आनंद तुम बता रहे हो कि पूछ रहे हो, असमंजस में हो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, जो मैंने कई बार बोला है आपको, कौन सी चीज है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में चाहे कुछ भी कर लो बदलती नहीं है, कुछ भी कर लो बदलती नहीं है, बस वही लगाना था बस, बहुत सही रोहित।
बिल्कुल देख लो भाई क्या आंसर आ जाएगा। इकलौती चीज जो कि नहीं बदलती है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इस समय पे भी जो एक्स में स्पीड है v1 में अगर बोल दूं वही स्पीड यहां पर होनी चाहिए v2। हॉरिजॉन्टल स्पीड इसलिए नहीं बदलती क्योंकि ग्रेविटी हमेशा वाई में लगती है। समझ आ रही है बात। तो ये 30 है तो ये 30 है तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। v1 हो जाएगा आपका 50 sin 30 डिग्री। ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके v2। v2 आपको निकालना है तो ये आपका 30 डिग्री है। समझ आ रही है ना बात। तो v2 है आपका v cos 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको v क्या मिल गया। v मिल गया 50 tan 30 डिग्री जो 1/√3 होता है। तो 50/√3 m/s ये आपका आंसर है। ठीक है ना। अरे क्लियर हुआ कि नहीं। ये तो आसान था। अरे ऑर्थोगोनली मैंने बताया तो था परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ठीक है। साधारण था बस ये चीज याद रखनी थी कि एक्स में स्पीड कभी नहीं बदलती है। क्लियर है। बस अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार। मॉड्यूल मिल गया ना आप सबको। मॉड्यूल मिल गया है। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। मैं आपको होमवर्क भेजूंगा मॉड्यूल में से क्वेश्चंस और कोई भी एक क्लास हम पूरी पूरी डिस्कशन के ऊपर रखने वाले हैं जिसमें आप आपके डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं है। बेसिक्स मैं बता चुका हूँ आपको। अब मेनली क्वेश्चन की प्रैक्टिस बाकी है तो उसके लिए हमारे पास पूरा मॉड्यूल पड़ा हुआ है। ठीक है तो मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा। अगली क्लास में आप उसको करके रखोगे। समझ आ रहा है। ठीक है। हाँ। हाँ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं बताना चाह रहा हूँ। वही ना कि एक साइड से फेंका है टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करके दूसरी साइड गिरता है। अच्छा क्वेश्चन है वो। हो गया तुमसे। बहुत बढ़िया यार। मॉड्यूल से फोन में आंख में दर्द होता है यार। मेरी सोचो यार मैं तो पढ़ा पढ़ा के थक गया। मेरी तो आंखें बाहर आने वाली हैं ऐसा लग रहा है। चलो बढ़िया। ठीक है तो मैं होमवर्क आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के लिए। प्लीज प्लीज अगर आप चाहते हो कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो मैकेनिक्स स्ट्रांग हो तो अगली क्लास में उन क्वेश्चंस को करके जरूर आना। क्योंकि आप 1.5 घंटे की क्लास होगी तो एटलीस्ट आधा घंटा में डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चंस। और फिर हम एक सेपरेट क्लास रखेंगे। एक वीक में मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए रखी जाए जिसमें कि सिर्फ अच्छे वाले क्वेश्चन जो डाउट्स लायक हैं उनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत सिंपल जो होंगे उनका मैं आपको सॉल्यूशन पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है ना। क्लियर है क्या सबको। होमवर्क बेटा अभी तो मेरे को मॉड्यूल खोलना पड़ेगा ना और लैपटॉप तो यही है इसको तो मैं पढ़ा रहा हूँ। चिंता क्यों कर रहे हो। ग्रुप में हो ना। ग्रुप में मिल जाएगा होमवर्क। नहीं नॉर्मल क्लास में ही अपन क्लास में ही करेंगे। चिंता मत करो। वीक में कोई भी एक क्लास मैं डाउट्स के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना। तो उस दिन हम सारे अच्छे डाउट्स डिस्कस करेंगे। जो बहुत सिंपल डाउट्स होंगे वो फिर आप पर्सनली मेरे से पूछ लेना। ठीक है। हाँ उतने ही करने जितना मैं दे रहा हूँ। चाहो तो आप सारे ट्राई कर सकते हो पर जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट वो तो आपको ट्राई करने ही करने। मैं कोशिश करूंगा मैं रिपीटेटिव क्वेश्चन ना दूं एक जैसे। ठीक है। मिल जाएगा होमवर्क आपको समझ आ जाएगा। तो प्रताप बोल रहे हैं सर क्वेश्चन था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई एक्सिस का स्पीड का ग्राफ क्या होगा। तो भाई वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ग्रेविटी नीचे लगती है तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। स्ट्रेट लाइन है नेगेटिव स्लोप के साथ। तो वी टी का ग्राफ बनाओगे अगर तो नेगेटिव स्लोप के साथ आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और यू से स्पीड घटती रहेगी। कुछ इस तरह से हो जाएगा ग्राफ। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके आगे का भी बनाने तो बन जाएगा भाई। मैक्सिमम हाइट के बाद फिर वापस से इंक्रीज होने लग जाएगा पॉजिटिव स्लोप स्लोप के साथ।
प्लस जी टी, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाना चाहिए था ये, ठीक है ना। स्पीड की अगर बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो सीधा नीचे निकल जाएगा, डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन है। यस को क्या डाउट है भाई, अनम्यूट किया जाए। बेटा ये रिलेटिव में पढ़ेंगे ना अपन, टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स, फेस जो तुम पूछ रहे हो वो अभी अपना आएगा, वही शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सबसे ज़रूरी पार्ट जो है जिससे कि हमें बहुत हेल्प मिलती है पूरी फिजिक्स के अंदर, वो है रिलेटिव मोशन, ठीक है। अनम्यूट कर देता हूँ मैं, बोलो भाई। रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम और ये प्रोजेक्ट पैरा दो प्रोजेक्टाइल्स की प्रॉब्लम, ये सब उसी में आती है रिलेटिव। बोलो। क्यों भाई, हाँ है। अरे मेरे भाई यहाँ स्पीड असलियत में वी दी, मैंने मिटा दिया, ये क्या हुआ। हाँ तो देखो यहाँ असलियत में स्पीड क्या दी गई थी भाई आपको, 50 दी गई है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, वी वन आएगा कि नहीं आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बोलो। तो वी वन लिख दिया 50 sin 30 degree, इसमें दिक्कत है क्या, या वी वन 50 cos 60 degree लिख दो, सेम ही बात है। और यहाँ पे स्पीड आपको दी कितनी गई है, v, तो इसका ही तो कंपोनेंट लोगे ना, असली स्पीड तो ये है, उसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, cos 30 डिग्री, v cos 30 डिग्री। संतुष्ट नहीं लग रहे हो तुम, अरे ऐसे ही मत मानो, समझ आए तो बोलो ठीक है, ऐसे छोटे छोटे डाउट्स गड़बड़ कर देंगे, बोलो क्या दिक्कत है बताओ। हाँ ये 30 मिल गया ना भाई, ये 60 मिल गया, तो 50 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना बताओगे, 50 cos 60 नहीं बताओगे। अरे 50 cos 60 और इसका कंपोनेंट इधर कितना बताओगे हॉरिजॉन्टल में, v cos 30 बताओगे, दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है चलो, क्वेश्चंस काफी सारे हैं आपके मॉड्यूल में, डिस्कस करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। सभी लोग घर पे अच्छे से ट्राई करना, ठीक है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं रिलेटिव मोशन, तो ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट क्लास में ये डाउट सेशन रखेंगे, नहीं यार थोड़ा टाइम तो देंगे क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि होमवर्क में काफी दूंगा आपको, रेक्टिलिनियर मोशन का होमवर्क दूंगा मैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का होमवर्क दूंगा मैं। तो अपनी क्लास नेक्स्ट कब होगी, आज क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे को करेंगे डिस्कस, ठीक है ना। चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव मोशन। अब देखो क्या बिना रिलेटिव मोशन पढ़े आप कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं सॉल्व कर सकते, तो नहीं, सारे क्वेश्चन बिना रिलेटिव मोशन पढ़े भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ 40 इयर्स का लास्ट क्वेश्चन करना जेई का बहुत है, मोर देन इनफ, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन बिना पढ़े भी आप काइनेमेटिक्स का हर क्वेश्चन कर सकते हो, बस रिलेटिव मोशन क्या करेगा, उन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करवा देगा और इजीली सॉल्व करवा देगा। अब दिक्कत ये देखी है मैंने बच्चों के साथ कि मोस्टली बच्चों को रिलेटिव मोशन टफ लगता है, ठीक है ना। और रिलेटिव मोशन टफ लगने का एक ही कारण है कि आपने ध्यान से बातें सुनी नहीं है। अगर आपका रिलेटिव मोशन स्ट्रांग हो गया ना, तो मैं बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगा आपको, हर चैप्टर में रिलेटिव मोशन का यूज हो जाता है, लगभग चीज़ें आसान हो जाती हैं।
तो मीनिंग क्या है रिलेटिव मोशन का? तो बेसिकली किसी भी एक फ्रेम के अंदर बैठ के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व जब हम करते हैं तो उसे आप कह देते हो बेसिकली रिलेटिव मोशन। यानी दो ऑब्जेक्ट्स अगर मूव कर रही हैं तो एक ऑब्जेक्ट के फ्रेम में बैठ के दूसरे ऑब्जेक्ट को देखना कहलाता है रिलेटिव मोशन। समझ आ रही है बात? मतलब क्या हो गया कि मान लो कि दो लोग दुनिया में चल रहे हैं, ए हमारा चल रहा है और बी हमारा चल रहा है। तो अगर आप ग्राउंड के फ्रेम से देखोगे, आप ग्राउंड पे खड़े होके देखोगे तो आपको ए चलता हुआ दिखेगा, आपको बी भी चलता हुआ दिखेगा। पर मान लो आप बी के फ्रेम में बैठ गए, बी के फ्रेम में बैठने का मतलब हुआ कि आप बी के सर के ऊपर बैठ गए, तो क्या आपको बी चलता हुआ दिखेगा? नहीं, अब बी तो आपके लिए रेस्ट पे आ गया क्योंकि आप तो बी के ऊपर ही बैठ गए हो। अब आपको सिर्फ कौन चलता हुआ दिखेगा? ए चलता हुआ दिखेगा। तो ऐसे जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? रिलेटिव मोशन कह देते हैं। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटिव हो सकती हैं। बात वही है, अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि कोई चीज रुकी हुई है, चल रही है, तो आप पहले यही पूछोगे कि आप किसके रिलेटिव बात कर रहे हो भाई। हो सकता है एक आदमी के लिए कोई चीज रुकी हो और दूसरे आदमी के लिए वो चीज चल रही हो। तो ये सब चीजें क्या है? रिलेटिव के ऊपर डिपेंड करती हैं। समझ आ रही है बात? यही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है। उनका सिंपली मीनिंग है कि एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का वो पैरामीटर कितना है। क्या ये जरूरी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। आप ग्राउंड पे खड़े थे तब भी आप रिलेटिव मोशन ही देख रहे थे, ठीक है ना? तब आप ग्राउंड के रिलेटिव देख रहे थे। समझ आ रही बात? अरे सब रिलेटिव हो सकता है भाई, बिल्कुल सब रिलेटिव हो सकता है। ठीक है, तो चलो इसी के ऊपर देख लेते हैं हम। तो बेसिकली आप क्या कह दोगे रिलेटिव मोशन को? द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर, विद रिस्पेक्ट टू अदर। समझे ना बात? इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। अब यहीं पे मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बता दूंगा, रिलेटिव पैरामीटर्स। जैसे सबसे पहले आ जाता है आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुन लेना, दो लोग थे हमारे पास, वही ए और बी। ए और बी, ए अपने जीवन में आगे बढ़ा 100 मीटर, बी अपने जीवन में आगे बढ़ा 50 मीटर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? बस सबने आंसर दे दिया, इसका मतलब ये टॉपिक बड़ा ही आसान होने वाला है, कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें। आपको साफ दिख रहा है कि जमीन से देखने पे ए चला 100 मीटर, जमीन से देखने पे बी चला 50 मीटर। अगर आप बी के ऊपर बैठ जाओ तो आपको बी तो चलता दिखा नहीं, तो फाइनली इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 50 मीटर। तो हमें क्या लगेगा? ए कितना चला? 50 मीटर चला। यानी पहली चीज, तो जिस चीज के रिस्पेक्ट में आप मोशन को स्टडी करते हो, यानी जिसका आपने विद रिस्पेक्ट टू लिया है, उसे आप कंसिडर करते हो रेस्ट पे, इज कंसिडर्ड एट रेस्ट। ये याद रखना। अच्छा, अब वेक्टर फॉर्म में अगर दिया जाए क्वेश्चन तो उसका भी फॉर्मूला समझ लो। अगर इस तरह से कहीं पे लिखा गया है एस ए बी, तो इसका मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यानी आप किसके ऊपर बैठे हुए हो, ए के ऊपर या बी के ऊपर? कहीं पे भी एस ए बी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप किसके ऊपर बैठे हो? आप बी के ऊपर बैठे हो। आपके लिए बी हमेशा कैसे रहेगा? रेस्ट पर रहेगा। इसके लिए हमारे पास आ जाता है एस ए बी इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैं यहाँ ग्राउंड को रेफरेंस ले ले रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि एस ए जी
SBG, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस मान सकते हो और उसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पर ये मैंने क्या किया था, यहाँ पे 100 मीटर और 50 मीटर कैसे बताया, जब मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट माना, है कि नहीं, तो मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किया है। पर मान लो क्या होता कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मानते, तो फिर आप उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट लिखते, है कि नहीं। तो आप तो बस ये याद रखो फॉर्मूला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी सिंपली होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी किसी एक कॉमन पॉइंट के अबाउट। समझ आ रही बात? अबाउट अ कॉमन पॉइंट। कॉमन फ्रेम में कह देता हूं, किसी एक कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में। अब वो फ्रेम जनरली क्या ले लिया जाता है, ग्राउंड ही ले लिया जाता है। इसमें किसी को भी दिक्कत है क्या? चलो, ये हो गया आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसमें किसी को दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई यार, जबरदस्ती दिक्कत हो रही है। बोलो क्या दिक्कत है। हेलो, बोलो भाई। हाँ बोलो बोलो। कॉमन फ्रेम का मतलब ये है कि आप कहाँ खड़े, आप किसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंसेस बता रहे हो। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना एस ए, ये किसी के रिस्पेक्ट में तो होगा, कहीं तो आपने ओरिजिन लिया होगा, तो वो दोनों का उसी से बताना है। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि ए जो है 100 मीटर चला था इस पॉइंट से, बी जो है 50 मीटर चला है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। आपका कोई कॉमन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ग्राउंड कॉमन है। समझ आ रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं है, मैं मोशन कहां से देख रहा हूं। देखो, ये तो था रिलेटिव, ये है ए विद रिस्पेक्ट टू बी, लेकिन जब मैंने ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो मैंने ग्राउंड के फ्रेम में लिखा है ना, और ये भी लिखा है तो ग्राउंड के फ्रेम में लिखा है, तो ये फ्रेम कॉमन होना चाहिए दोनों का। ऐसा नहीं हो कि इसका आपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा था और दूसरे का आपने किसी चलती हुई लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिखा था और आप चाहो कि आंसर आ जाए, तो नहीं आएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, ग्राउंड एक फ्रेम है तो उसे आप रुका हुआ मानते हो। आप ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हो अपना रेफरेंस पॉइंट। हाँ बेटा रोहित, हम ग्राउंड को रेस्ट पे मान लेते हैं, ठीक है ना, हमारी स्टडीज के लिए हम ग्राउंड को रेस्ट पे मानते हैं। और किसी को कोई डाउट है? आदित्य, तुमको कोई डाउट है भाई? हेलो, हेलो, अरे आदित्य भाई, कोई डाउट है क्या? हैंड रेज कर रखा है तुमने। चलो ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? इस पर मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कराऊंगा और सिर्फ एक ही कराऊंगा, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ आपको वेक्टर की प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। तो ए मूव्स फ्रॉम 2,3,4 टू 0,-1,2 एंड बी मूव्स फ्रॉम 1,1,1 टू -2,3,4। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बताइए। ठीक है ना, आई कैप जे कैप आपको दिया हुआ है, एक्स एक्सिस आई कैप है, वाई एक्सिस आपका जे कैप है। रिलेटिव मोशन में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। जो क्वेश्चन हमने टाइम लेके सॉल्व किया ना काइनेमेटिक्स में, वो सब एकदम बिना पेन उठाए सॉल्व होंगे रिलेटिव से। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपको बताना है। बढ़िया ईशान, फेस का भी आया है, तुम दोनों का अलग आ रहा है भाई, ईशान और श्रेष्ठ, किसी एक को चेक करना होगा। और अब आया है अनंत का, उनका तीसरा आंसर आया है। रोहित का और श्रेष्ठ का मैच कर रहा नहीं है। चौथा आंसर, पांचवा आंसर, अरे क्या कर रहे हो, ये तो मैंने टाइम पास के लिए दिया है सवाल। अरे प्लीज, अरे ऐसा मत करो यार,
हम तो कहाँ कहाँ के क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर मॉड्यूल कैसे सॉल्व होगा? अरे यार, गलत आंसरों से भर गई पूरी चैट। इसमें क्या गड़बड़ हो रही है? देखते हैं भाई किसका गलत है। चलो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। तो मूव किया है यहां से यहां, तो फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल, 0 -2 -2i, -1 -3 -4j, 2 -4 -2k, ये हुआ एस ए। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो एस ए ओ लिख देता हूँ मैं इसे, एस बी ओ। तो देखो 1 1 1 से मूव करके गया है -2 3 4, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, -2 -1 -3, 3 -1 2, 4 -1 3, ये हुआ है एस बी ओ। आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि एस बी ए। उल्टा मत निकाल देना, साइन गलत हो जाएगा। तो एस बी ए ये होगा एस बी माइनस एस ए, जो पहले लिखा होता है वो पहले लिखा जाता है, ठीक है ना। एस बी ए लिखा है, बी पहले है, तो एस बी पहले आएगा। तो एस बी ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपका मिल जाएगा -3i +2j +3k और -2i -4j -2k, -3 + 2 -i, 2 + 4 6 और 3 + 2 5, ये है भाई आंसर। उल्टा कर दिया तो, उल्टा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई। उल्टा नहीं करना है, जो पूछा गया वही बताना है। हाँ तो सही है, कई लोगों का सही था, रोहित का भी सही था, श्रेष्ठ का भी सही था। तो ये तो हलवा सवाल था, अरे ऐसे ही करा दिया था शगुन के लिए, कराना थोड़ी चाह रहा था मैं। और दूं क्या ऐसा वाला एक और? अरे मत बोलो कि दोबारा चाहिए एक और क्वेश्चन। अरे क्यों ईशान भाई, तू कैसी बातें कर रहे हो? तुम इतना पढ़ने के बाद वेक्टर में कैसे गलत हो सकते हो? अभी अच्छा चिंता की बात नहीं है, अभी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किया है, सेम रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे, सेम रिलेटिव एक्सेलरेशन करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? तो आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग समझ आ गया होगा, ठीक है। अगली चीज जो पैरामीटर हमें देखना है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? एक आदमी के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी को देखना। जरा बता सकता है क्या कोई? यह है आदमी ए, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। यह है आदमी बी, ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? बस ये तो लोग सांस भी, अरे रोहित ऐसे मत करो भाई। अरे कितना साधारण है, तुम भाग रहे हो 10 से, तुम्हारा पड़ोसी भाग रहा है 5 से, तो तुम उसके रिस्पेक्ट में कितने से भाग रहे हो? तुम्हारी और उसके बीच की दूरी कितनी रेट से चेंज हो रही होगी? कॉमन सेंस है, अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ये सोच लो, 1 सेकंड में तुम चलोगे 10, वो चलेगा 5, इफेक्टिवली तुम कितने से चले? 5। तो इसके लिए हमारे पास वेक्टर फॉर्मूला आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मुझे नहीं लगता मुझे ये समझाने की जरूरत है, वेक्टर फॉर्मूला समझ आ रहा है? मुझे नहीं लगता ये समझाने की जरूरत है। रोहित इसकी हम बहुत अच्छी सी ट्रिक देख लेंगे, चिंता मत करो। तो ये हो गया आपका वेक्टर तरीके से कैसे आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ रिलेटिव के लिए, आपको जब भी कुछ करना हो, या फिर पहले रिलेटिव एक्सीलरेशन भी लिख ही लेते हैं, ठीक है ना। रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर, वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये हो जाता है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ मैंने क्या फॉर्मूले लिख दिए हैं, मेरे हिसाब से फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूले
फॉर्मूले तीनों के सेम है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सीलरेशन। तो जब आप वेक्टर से करोगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जब भी आड़ा टेढ़ा कुछ डायग्राम दिया हो तो हम वेक्टर से सॉल्व करें। फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब हम ट्रिक पे चल लेते हैं कि रिलेटिव चीज़ कैलकुलेट कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो उसका सिंपल सा तरीका है, मान लो कि आपके पास ए था, ध्यान से देखना सभी लोग, ये आपका आदमी ए था और ये था आपका आदमी बी, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ए इधर चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से और इसका एक्सीलरेशन इधर था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी इधर चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड से और इसका एक्सीलरेशन इधर था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जहां ये आई कैप है, तो क्या होगा? तो ट्रिक क्या है मेरे भाई? ट्रिक है कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट अबाउट विच पैरामीटर्स आर कैलकुलेटेड, आर कैलकुलेटेड इज अज्यूम्ड एट रेस्ट, ठीक है ना, एंड नेगेटिव ऑफ इट्स पैरामीटर्स इज एडेड इन द अदर ऑब्जेक्ट, इन द अदर ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया, अंग्रेजी में लिख दिया मैंने, ठीक है ना, बस कायल मानने के लिए। हिंदी में मतलब हुआ कि भाई जिसके रिस्पेक्ट में मोशन देखना है ना, उसे रोक दो और उसका जो भी पैरामीटर हो, वेलोसिटी एक्सीलरेशन, उसे उल्टा करके, रिवर्स करके सामने वाले में जोड़ दो। तो ऐसा मुझे अगर करना होगा तो देखो जरा, ये आपका ए है, ये आपका बी है। किसके रिस्पेक्ट में देखना है मुझे? मुझे ये देखना है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मैं क्या करूंगा, बी को तो रोक दूंगा। अच्छा, ए का पैरामीटर क्या क्या दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका पैरामीटर था यहाँ पे 20 और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके पैरामीटर को उल्टा करके जोड़ना है। तो ये 20 से लेफ्ट में जा रहा था तो मैं इधर 20 राइट में जोड़ दूंगा। ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट में जा रहा था तो मैं यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट में जोड़ दूंगा। तो इफेक्टिवली आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगी? देखो, आगे 10 से चल रहा है और आगे 20 से भी चल रहा है, 30 मीटर पर सेकंड आई कैप। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, देखो एक्सीलरेशन आगे 2 है, पीछे 4 है, तो इफेक्टिवली पीछे 4 है, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप। समझ आया क्या? नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अभी रिज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में वापस से आपको एक्सप्लेन करूंगा ट्रिक, अभी तो टाइम खत्म हो गया, अभी रिजॉइन करेंगे, फालतू पूरा टाइम लगेगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। दक्ष, ठीक है, डाउट है तो मैं ये क्वेश्चन वापस से बताऊंगा आपको, सिर्फ यहाँ तक समझ आ गया ना फॉर्मूला, तो ये ट्रिक हम वापस से अगली क्लास में करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना।